अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। ईद स्पेशल में आज हम शिनवारी बीफ कड़ाई बना रहे हैं। ये आपकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि ईद के लिए जबरदस्ती रेसिपी लेकर आए। मैं आज आपके लिए शिनवारी बीफ कड़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी बहुत ही कम मसालों से और बहुत ही ईजी तरीके से। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो बनाना शुरू करते हैं शिनवारी बीफ कढ़ाई। शिनवारी बीफ कढ़ाई बनाने के लिए आधा कप हमने घी लिया है, आप ऑयल भी ले सकते हैं। दो स्पून हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। हल्का सा हमने अदरक और लहसुन को रोस्ट कर लिए। तीन पाव हमने बीफ लिए। तीन से चार मिनट हम इसको लहसुन के अंदर भून लेंगे। आप देख सकते हैं हल्का सा इसने कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसके अंदर 5 से 6 अदर टमाटर ऐड करेंगे। आंच को हम स्लो कर देंगे, ऊपर से हम इसको कवर करेंगे ताकि टमाटर का छिलका उतर जाए। आप देख सकते हैं टमाटर का छिलका उतरना शुरू हो गया। अब हम इसको निकालेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं पानी इसने खासा छोड़ दिया। आधा चाय का चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। आधा स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ढाई गिलास हमने इसमें पानी के ऐड किए हैं ताकि हमारा बीफ अच्छे से गल जाए। आंच बिल्कुल स्लो कर दीजिएगा, ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। आंच हम थोड़ी सी तेज करेंगे। इसको हमने तकरीबन 50 मिनट स्लो आग पे पकने के लिए छोड़ दिया था। अभी इसका पानी खुश्क होना रहता है। अब हम इसमें 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। आधा कप हम इसमें दही ऐड करेंगे। अभी हम इसका पानी ड्राई होने तक इसको भूनेंगे। आगे बकरा ईद आ रही है, आप ये शिनवारी बीफ कढ़ाई बनाएं, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी और ये बहुत ही जबरदस्त और टेस्टी बनती है। आप इस तरीके से बनाएं, आपके घर वाले इसको बहुत ही पसंद करेंगे और ये बहुत ही कम मसालों से ये बनाई जाती है।
ये आप देख सकते हैं बीफ हमारा अच्छे से गल गया, ये देखें। ये आप देख सकते हैं इसमें से पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। अब हम इसमें एक स्पून जीरा ऐड करेंगे। अब हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्ची ऐड करेंगे। हरी मिर्चों की कटिंग हमने इस तरीके से लंबाई में कटिंग की है। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। कटी हुई अदरक ऐड करेंगे। फ्लेम हम बंद कर देंगे। अब हम इसको सर्व करेंगे। शिनवारी बीफ कढ़ाई बहुत ही टेस्टी तैयार हुई है। आप इसको जरूर बनाएं, रोटी और नान के साथ और राइस के साथ एंजॉय करें। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जो बिल्कुल फ्री है। और प्लीज मेरे फेसबुक के पेज को विजिट कीजिए, लाइक कीजिए और इसे फॉलो कीजिए। शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।